कैसे हैं? आपसे उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सब जानते हैं कि आज आप सभी का सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 अकाउंटेंसी का एग्जामिनेशन है। उससे पहले फ्रेंड कुछ लास्ट मिनट में कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ जिसको आप करके जाइए, देख के जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और शायद आपको आज के पेपर में फ्रेंड ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उसको देख लीजिएगा, इसको मिस बिल्कुल ना करिएगा। बहुत ही खास वीडियो, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आप फ्रेंड लगातार देखें हमारी टीम आप सभी के, जब आपका ये सफ़र शुरू हुआ था आपका इंग्लिश का, फिर हिंदी का एग्जामिनेशन, आपका फिजिकल का हुआ, आपका इकोनॉमिक्स हुआ, बीएसटी हुआ, हर बार आपके लिए हमारी टीम खड़ी थी। और फिर से एक बार अकाउंटेंसी में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की आप लोग के लिए, और यही मेहनत हम करने वाले हैं आपके अगला एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है सीयूटी का। जो ऊपर पर नंबर दिया गया, अगर आप सीयूटी के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर नंबर पर आप हमको कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। और फिर आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेलीग्राम चैनल, एक बार एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है अभी अपडेट फॉर सीयूटी। तो इवन वहाँ पे हम आप लोग अकाउंटेंसी के लिए चैप्टर वाइज PYQ दिए हुए हैं। 2008 से तो जब 22 तक में जितने भी PYQ चैप्टर वाइज हमने दे दिया आपको वहाँ पे। इतना ही नहीं, इस बार मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक क्या होने वाले हैं आज के पेपर को लेकर हमने अभी आपको बता दिया। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब कुछ आपको यहीं पर मिलने वाला है फ्रेंड। ठीक है, अब आइएगा लास्ट मिनट में उन टॉपिक्स की बात करते हैं जो आपको आज एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप एक बार जरूर देख के जाना, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हैं कि आज हमें ये टॉपिक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इन टॉपिक्स में बताना जरूर ध्यान से देखिएगा। और माय डियर आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को यहाँ पर 2x कर सकते हैं, आप वीडियो को 2x स्पीड पर कर दीजिए और आप सुनना स्टार्ट कीजिए जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर एक बार आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है पढ़ाई में, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी इशू आ रहा है, तो ऊपर देखिए व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर जाकर मैसेज कर दीजिए, कॉल ड्रॉप कर दीजिए कि सर मुझे इसे समझ में नहीं आ रहा, मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। हमारी टीम आपके लिए बैठी थी पिछले दिनों से और आज भी बैठी है हर एक डाउट को सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब आइएगा, देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, फिर गुडविल देखिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले क्या करना है, गुडविल का कैपिटलाइजेशन वाला जो मैंने फॉर्मूला है, क्या कैपिटलाइजेशन वाला, एक बार इसको फटाफट आप देख लो जल्दी से। गुडविल का जो कैपिटलाइजेशन वाला फॉर्मूला हमारा है ना, आप एक बार जल्दी से इसको देख लो कि ये मैक्सिमम चांस है कि आज हमें पेपर में कैपिटलाइजेशन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कैपिटलाइजेशन के जो फॉर्मूले हमारे दो ठे हमारे होते हैं, दोनों को आप एक बार देख लो। और दूसरा ध्यान दीजिएगा, गुडविल के अंदर में ही हमारा सुपर प्रॉफिट, गुडविल के अंदर क्या सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, ये दोनों को आपको करके जाना है। ये आज एग्जामिनेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस है कि आज पूछे ही जाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा अगर मैं फ्रेंड इसके अलावा बात करूँ, ध्यान दीजिएगा दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ध्यान दीजिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार फटाफट आप देख लो कैसे बनाया जाता है, क्योंकि आज के पेपर में अलग से पूछेगा आपसे, अलग से पूछने के मैक्सिमम चांस है कि बताओ रिवैल्यूएशन कैसे बनता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की फॉर्मेटिंग नहीं, उसके अंदर में क्लिक करते हैं, जैसे मान लेते कि अगर मान लेते मशीनरी आपकी है, मशीनरी की वैल्यू आपके पहले 2 लाख थी, अब ये वैल्यू 4 लाख हो गई हमारी, तो अब हम लोग क्या शो करते हैं इसके अंदर में, मान लेते हैं 3 लाख हो गई, तो हम लोग रिवॉल्यूशन में क्या शो करते हैं कि वैल्यू कितने से एसेट बढ़ गई, हम ये शो करते हैं, हम बिल्कुल से शो करते हैं। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में फटाफट देख लो कि रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता कैसे, इसका तरीका देख लो अच्छे से। ये आज के पेपर में पूछे जाने वाला टॉपिक है, 110% श्योर आपको ये पूछा ही जाएगा आज का, ध्यान दीजिएगा। और रिवॉल्यूशन का फायदा क्या है, उसको सीख लोगे तो आपका एडमिशन चैप्टर का, रिटायरमेंट चैप्टर का, डच चैप्टर का, इन तीनों का आप एक एक पार्ट तैयार हो जाएगा। तो उसको एक बार करके जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ उसको करके जाइए। एग्जामिनेशन हॉल में जाएँ, क्लास में इंटर करें, उससे पहले ये टॉपिक को करके ही जाना है आपको, ये मत भूलिएगा कि अगर टॉपिक को मिस कर दो मैं बहुत बड़ी मिस्टेक करके एग्जामिनेशन में जाऊँ। एक बार आता है तो भी एक बार खोल लो, आता तभी एक बार खोल कर चेक कर लो, जैसे लास्ट मिनट में रिवीजन में रहे कि हाँ ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। आगे देखिएगा, अगर मैं तीसरे चीज़ की बात करूँ, रेशियो एनालिसिस में बात करूँ, ध्यान दीजिए। देखिए रेशियो एनालिसिस के चारों फॉर्मूले हमारे बहुत खास के हैं, लेकिन रेशियो एनालिसिस में सबसे जो खास फॉर्मूला आपको याद करके जाना है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। ये मैंने जाने से पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का जो मेरा फॉर्मूला हमारा है, इसे एक बार जरूर देखे जाना आप, इसे एक बार जरूर देख के जाना, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के पेपर में मैक्सिमम चांस है कि आपको देखने को मिलता है। चारों फॉर्मूले पढ़ लो, चारों फॉर्मूले याद एक बार पढ़ लो, लेकिन इसमें का सबसे खास मुझे लगता है आज पूछा जाएगा एग्जाम में, वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एक बार मेरे लिए आप क्या करना है, एक बार आप इस रेशियो के फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को जितने भी हमारे इसके अंदर हमारे आते हैं, GP आता है, NP आता है, एक बार एग्जाम में जाना, इस पर एक बार इसको देख के जाना है इसको, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम चांस है कि यहाँ से आज एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपका।
जो मैं टॉपिक बताऊँ लोग ध्यान से समझते हैं। चलिए वीडियो को 2x कर दीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं तो, और एक एक क्वेश्चन को करके जाना है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार इस वीडियो को शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते देखिए फ्रेंड, अगर मैं फोर्थ ध्यान दीजिए, अगर मैं फ्रेंड फोर्थ की बात, फोर्थ पॉइंट की बात करूँ जो आप एग्जामिनेशन में पूछा जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं, फिर ध्यान दीजिएगा कैश फ्लो के अंदर। क्या कैश फ्लो के अंदर में, आप कैश फ्लो के अंदर में ध्यान दीजिएगा, कैश फ्लो के अंदर में एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन लगा के जाओ। आप एक बार देख लो ऐसा क्वेश्चन जिसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन हो या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सुना होगा आपने नाम बिल्कुल से। तो कैश फ्लो के अंदर में जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा होता है उसको एक बार करके जाना एग्जामिनेशन में, क्योंकि शायद वो पूछा जाएगा। कैश फ्लो पूरा एग्जाम में आ जाएगा एक बार, तो ये 100% तय है कि आज के एग्जामिनेशन में कैश फ्लो का क्वेश्चन आना ही आना है। तो एक बार कैश फ्लो भी देख लेना आप, और कोशिश करो कि आप उस क्वेश्चन को देखो जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो, क्योंकि वो आज के एग्जाम में पूछे जाने के मैक्सिमम चांस है। आगे बढ़ते ध्यान दीजिए फिर, आगे फिर बात करते हैं पाँचवा पॉइंट जो बहुत खास है आज के पेपर के लिए। फिर आपको जो मैक्सिमम चांस है कि पूछा जाएगा आपका फ्रेंड, वो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड मैं आपके शेयर्स की मैं बात करूँ, अगर मैं आपसे शेयर्स की बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा शेयर्स के पे, बताया शेयर्स का क्वेश्चन तो एमसीक्यू में भी आएगा और मैंने आपको इतना एमसीक्यू करवा दिया है। माय डियर फ्रेंड मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप जिन बच्चों ने हमें पहले से फॉलो किया उनका बहुत फायदा होगा, इसके पेपर में बहुत फायदा होगा। हमने लगातार बहुत सारे सैम्पल पेपर डिस्कस किया हम लोगों ने, हमने बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, हमने PYQ डिस्कस किया, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस किया, 6 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस किया, वो किसके लिए आपके लिए किया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फिर यही काम आपके लिए करने वाले आपके अगले एग्जामिनेशन सीयूटी के, तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड। और टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अभी अपडेट फॉर सीयूटी, जो उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी इशू आ रहा है पढ़ाई करने से कुछ भी आ रहा है तो ऊपर नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल करके अपनी डाउट्स को पूछ भी सकते हैं। अब आगे देखिए, अगर मैं शेयर्स देखिए, अगर मैं फिर मैं शेयर्स की बात ध्यान दीजिएगा, देखिए अभी आप जानते ही हो कि शेयर्स के अंदर आज का जो क्वेश्चन आपका आएगा उसमें पुराटा तो आना जाना है। तो फिर पुराटा देखिए, पुराटा आएगा बिल्कुल सी बात है, लेकिन ध्यान दीजिएगा पुराटा के अलावा ध्यान दीजिए पुराटा ऐसा ही नहीं क्वेश्चन पूछना, आप ऐसा एक बार क्वेश्चन देख लो बुक के पीछे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसा जिसमें पुराटा तो हो आपका, ठीक है पुराटा हो, लेकिन 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 उसके अंदर में ना रीशू का भी कहानी हो। और रीशू मतलब कौन सा, पूरा रीशू ना हो आधा। जैसे मान लेते हैं कि अगर कंपनी ने दो लोग, मान लेते हैं कंपनी एक एक्स था और एक वाई था, कंपनी ने दोनों के शेयर्स को प्रॉफिट किए, ठीक है सर दोनों के शेयर प्रॉफिट किए। मान लेते हैं कंपनी ने एक्स के 200 शेयर प्रॉफिट किए, ठीक है, और वाई के मान लेते हैं 300 शेयर प्रॉफिट किए कंपनी ने। अब कंपनी रीशू कर रहा है, रीशू क्या कर रहा है, कंपनी 100 में से इसके 50 शेयर रीशू कर रहा है और इसका मान लेते हैं 200 शेयर रीशू कर रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन को एक बार लगा के जाना आप एग्जामिनेशन में जाने से पहले, यानी जैसे प्रोराटा हो ज़्यादा लोग अप्लाई किए हों और उसके अंदर में ये केस हो कि जब दो लोग हों, दो मतलब ऐसा मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा बुक मान लेते हैं 20,000 हो और उसमें से 10,000 लोगों को 10,000 को रिशू किया, ये ऐसे क्वेश्चन हमारा जो होता है इसको एक बार लगा के जाना। जब कम जितना प्रॉफिट हो उससे कम अगर रिशू किया जाता हो तो क्या करना, ऐसे एक बार ट्रीटमेंट को कर जाना। फिर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अंदर, क्योंकि बहुत समय भी लग जाएगा। और मैं इससे चाहता हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो हम मुझसे कॉल करके पूछ लीजिएगा, हम आपको स्टडी बता देंगे, ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। आगे बढ़े मैंने यहाँ पे ऐसा, अब देखिए मैं आगे बात करते हैं फिर ये कुछ टॉपिक से। अच्छा फिर एक और बताएं, देखिए मैं डिस्क अगर मैं डिवेंचर की बात, अगर फिर मैं डिवेंचर की बात करूँ ध्यान दीजिएगा, डिवेंचर का बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन आप बस डिवेंचर के पर लगा लो ना, बेसिक क्वेश्चन लगा लो डिवेंचर का काम हो जाएगा हमारा। तो फिर जो मैं टॉपिक बता, अच्छा एक बताओ फिर ध्यान दीजिएगा, फिर रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट भी आप एक बार देख लो कैसे बनता है, क्योंकि मैंने जो टॉपिक बताया ना अभी बहुत खास टॉपिक, रियलाइजेशन अकाउंट देख लो कैसे बनता है। और फिर एक लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक बार देख लो फटाफट। ये टॉपिक्स को आप करके जाना यार, इतना काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना। और इंटरेस्ट एंड कैपिटल का, इन कैपिटल का इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं इसको भी वो देख लेना, जो मैं टॉपिक बताया उसको मिस मत करना आप, इसको प्लीज़ देख लो जाने से पहले। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर एग्जामिनेशन, डू योर बेस्ट, आप बहुत बेहतरीन करके आइएगा। फिर ध्यान दीजिए टाइम मैनेजमेंट देखे करना है, क्योंकि पेपर लेंथ ही आने वाला है, तेजी से करिएगा, स्पीड स्टार्टिंग से बेटर होना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।